तो दोस्तों, अगर आप एक छोटा और पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह आए हैं, क्योंकि आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास ये मैटरबिट का साउंडरोग स्पीकर है। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा छोटा स्पीकर है। भले ये दिखने में छोटा स्पीकर है, पर काफी ज्यादा पावरफुल ये स्पीकर है। और आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने टोटल दो स्पीकर्स मंगाए थे। एक की अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी थी, दूसरे की अनबॉक्सिंग मैं आपको वीडियो में करके दिखाता हूँ। स्पीकर का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। बॉक्स में आपको एक स्पीकर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक हुक और एक USB-C चार्जिंग केबल मिलती है, जो 1 मीटर लेंथ के साथ आती है। थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताऊं तो मैडरबिट एक इंडियन ब्रांड है, जो काफी हाई क्वालिटी के ऑडियो प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में ऑफर करती है। और फिलहाल IPL चल रहे हैं, तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो कंपनी का बैकग्राउंड काफी अच्छा है। मुझे स्पीकर की सबसे बेस्ट चीज लगी थी वो है इसकी डिजाइन, जो की स्क्वायर शेप में आती है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। इस पर सिलिका फिनिश दिया गया है और हाथ में लेके बिल्कुल रबड़ के जैसा फील देता है, जिससे इसकी सरफेस पर और हाथ में काफी अच्छी ग्रिप बनती है और इसे काफी रफ एंड टफ स्पीकर बनाती है। स्पीकर के साइड में आपको हुक लगाने का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां आप इसके साथ दिए गए हुक को लगा सकते हैं और फिर इसे अपने साथ अटैच कर सकते हैं। इसके वेट की बात करूं तो 250 ग्राम इसका वेट है, तो इसकी कॉम्पैक्ट लाइट वेट डिजाइन और ये हुक इसे काफी ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली स्पीकर बनाता है। इसके अलावा ये IP47 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है, तो इस तरह के पानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसे किसी भी तरह के सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं या फिर बीच पर पार्टी कर रहे हैं। फ्रंट साइड में आपको मेटल की ग्रिल दी गई है, जिसके नीचे इसका 52mm का ड्राइवर है, जो सबवूफर के साथ आता है, जिससे आपको इतनी छोटी और कॉम्पैक्ट सी डिजाइन के साथ भी काफी अच्छा बेस सुनने को मिलता है। ग्रिल के नीचे यहाँ पर मैटरबिट का लोगो दे रखा है। इस तरफ इसके कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। बैक साइड में इस कवर के नीचे आपको USB-C चार्जिंग पोर्ट और एक microSD कार्ड स्लॉट दे रखा है, तो आप इस स्पीकर में ब्लूटूथ के साथ तो सॉन्ग्स प्ले कर ही सकते हैं, पर आपको इसमें SD कार्ड से भी सॉन्ग प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है। या नीचे इसका सबवूफर दे रखा है। साइड में दिए गए इस पावर बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके आप स्पीकर को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रंट साइड में ब्लू ब्लिंकिंग लाइट शो हो जाएगी और ये अपने आप पेयरिंग मोड में चला जाएगा। अब आपको फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में ये स्पीकर मैडरबिट साउंडरोग नाम से शो हो जाएगा, जिस पर टैप करते ही ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। स्पीकर फोन से कनेक्ट होगा और आपके फोन में कोई कॉल आएगी तो आप स्पीकर पर दिए गए इस प्ले बटन से कॉल को उठा सकते हैं, और इसके बिल्ट इन माइक के कारण आप डायरेक्ट स्पीकर के थ्रू बात कर सकते हैं। तो ये भी इसमें आपको काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। इस बटन को फिर से प्रेस करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। प्ले बटन को एक बार प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। इन प्लस और माइनस बटन को प्रेस करके आप म्यूजिक की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, और ऐसे माइनस बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके आप प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। प्ले बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके आप डायरेक्ट स्पीकर से फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। साइज के हिसाब से स्पीकर का साउंड काफी लाउड है, और जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने इसका सबवूफर टेस्ट करके देखा था, और ये भी इसकी कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से काफी पावरफुल है और इससे काफी अच्छा बेस आता है। इसके अलावा अगर आप स्पीकर को 5 मिनट तक यूज नहीं करते हैं तो ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे आपको इससे काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। स्पीकर को फुल चार्ज करने के बाद आपको इससे 8 से 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, जो कि स्पीकर की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये स्पीकर फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, तो आप इसे सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 3 घंटे तक यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह के 2 स्पीकर परचेज कर सकते हैं और फिर उन्हें एक साथ पेयर करके बिल्कुल स्टीरियो साउंड वाला फील ले सकते हैं। ट्विन स्पीकर पेयरिंग के लिए आपको सबसे पहले एक स्पीकर को ऑन करना है, ब्लूटूथ मोड, फिर पावर बटन को 2 बार प्रेस करना है। इसके बाद आपको 2 बार बीप सुनाई देगी, फिर ये सेम स्टेप आपको दूसरे स्पीकर के साथ करना है, उसे ऑन करना है, ब्लूटूथ मोड, और फिर साइड में दिए गए बटन को 2 बार प्रेस करना है। इसके बाद आपको फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके इस मैडरबिट साउंडरोग पर टैप करना है। अब आप फोन में जो भी म्यूजिक चलाएंगे वो आपको दोनों स्पीकर से एक साथ सुनाई देगा, जैसे कि ये वायर से एक साथ कनेक्ट है। तो एक काफी अच्छा और एक कूल फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है। स्टीरियो स्पीकर के साथ जब आप मूवीज देखते हैं तो आपको बिल्कुल हॉल वाला एक्सपीरियंस घर पर देखने को मिलता है। वहाँ कूद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। पापा,
पुलिस आ रही है। स्पीकर की MRP 3499 है पर Amazon से मुझे 1800 रुपए का मिल गया था। इसके अलावा अगर आप मैटरबिट की वेबसाइट पर IPL 2023 डिस्काउंट कूपन यूज करेंगे तो आपको अलग से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस मैटरबिट साउंड रॉक स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और साउंड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और ये अपने सेलिंग प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो अगर आप 2000 के अंदर एक पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो साउंड तो अच्छा देता ही हो बट काफी रफ एंड टफ भी हो तो आप इस स्पीकर को जरूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, वहां जाकर इसके बारे में और जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।